अच्छा, तो ये तुम्हारी मोहब्बत का सहारा था जिसने उसे हर तकलीफ बर्दाश्त करने पे मजबूर किया। तुम्हारे नाम से जुड़े रहना उसके लिए इतना अहम था कि हर तकलीफ हर मुसीबत के बावजूद उसी घर में रहना चाहती थी। उसने तो मोहब्बत का वो हक भी अदा कर दिया जो उस पर फर्जी नहीं था। अब तुम्हारी बारी है बेटे, अपने हिस्से का हक अदा करें। अनजाने में जो कुछ हो गया उसकी तो शायद माफी हो जाए, लेकिन अब जबकि सब कुछ तुम जान गए, अब्राहम को जरा सी भी तकलीफ पहुंची ना तो उसकी कोई माफी नहीं होगी। मैं जानता हूं आप अभी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे अंदर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है, माफी कैसे मांगू? मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, मैं उससे मोहब्बत की उम्मीद कैसे? ये सब बातें तुम मत सोचो आशीर, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हें उसका सहारा बनने से रोकेंगी। तुम्हारी नफरत, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी सजा, तुम्हारी जज़्बा, ये सब कुछ भूल जाओ। अब तुम सिर्फ और सिर्फ रेहम का सोचो, सिर्फ रेहम का। क्योंकि अब उसे तुम्हारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। जो गुजर गया वो रोकना तुम्हारे बस में नहीं था, लेकिन जो अब होने जा रहा है आशा, उसे तुम्हें रोकना है। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे भाई? ऑफिस से तो शाम में ही निकल गए थे। मामा जान कुछ जरूरी काम था। आशिर, तुम्हारे ये जरूरी काम कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ गए? मतलब ऑफिस से जल्दी चले जाते हो, घर लेट आते हो। कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर लो, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो मान लेते। मैं थक गया हूं, आराम करूंगा। अच्छा सुनो, वो खुशखबरी तो तुम्हें बताने ही भूल गया। कैसी खुशखबरी? पापा का फोन आया था। तुम्हें फोन किया दिन में, लेकिन तुम शायद अपने कामों में बिजी थे। तो बात नहीं कर सके। बता रही थी कि हमारी कंपनी ने अवार्ड जीता है, बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए। गुड, फोन कर लेना उन्हें, अभी हो सकता है जाग रही हो। जी।
फैसल, मैं जानता हूँ कि तुम और सबूर जान बूझ कर मुझसे बात नहीं कर, वजह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना बता दूं कि इस वक्त मुझे तुम दोनों की बहुत जरूरत है, खासतौर पर सबूर की। वो सारे सबूत जो रेहान के खिलाफ जाते थे अब उसके हक में जाते हैं। मैं जान चुका हूं कि सारे मामले में अदन का कसूर था। लेकिन मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि जब ये सब कुछ हुआ तो सबूत पाकिस्तान में थे। मैं बस एक बार ये जानना चाहता हूं कि उस रात को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रेहान ने अदन को मरने पर उकसाने वाले मैसेजेस किए। ये तुम्हारी मोहब्बत का सहारा था जिसने उसे हर तकलीफ बर्दाश्त करने पर मजबूर किया। तुम्हारे नाम से जुड़े रहना उसके लिए इतना अहम था कि हर तकलीफ हर मुसीबत के बावजूद उसी घर में रहना चाहती थी। उसने तो मोहब्बत का वो हक भी अदा कर दिया जो उस पर फर्जी नहीं था। हाथ जोड़ तुम्हारे सामने सजा मांगने के लिए अपने हर गुनाह की सजा, हर उस दावे की सजा जो मैं पूरा नहीं कर सका। तुम पर लगे हर इल्जाम, हर जुल्म की सजा हर उस लम्हे की सजा जब तुमने मुझसे उम्मीद लगाई कि मैं तुम्हारा भरोसा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया। तुम मुझे बेगुनाही का यकीन दिलाती रही हो और मैं तुम्हारे नाकर्दा गुनाह पर यकीन करता रहा। हाँ, मुझे हर उस जुर्म की सजा चाहिए, मुझे हर उस तकलीफ से गुजारो, हर उस जिल्लत से गुजारो जिससे तुम गुजरी हो। उसी तरह नफरत से धुतकारो, बेइज्जत करो मुझे। तुम्हें पूरा हक है अपने साथ हुई हर ज्यादती का बदला लेने का। तुम्हें पूरा हक है
इस गुनहगार को सजा दे रखा। तेरा जितना शुक्र अदा करूंगा, तूने मेरी बच्ची के दामन पर लगे दाग को मिटा दिया, उसे सुबह किया। मेरे मालिक बहुत आजमाइशों से गुजरी है, वो अब बस उसके हिस्से में आसानी रखना, अब किसी आजमाइश से ना गुजारना, उसे उसके सबर के बदले हर वो सुख देना जिसकी वो हकदार है। जीती रहो, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। पर तुम्हारे जर्फ के आगे अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूं। नहीं आप अभी ऐसे मत कह, सच कह रही हूं, हम ही कम जर्फ थे जो तुम्हारी शराफत को ना पहचान सके। गलती तो हुई हमसे, मुजरिम तो है ना हम। ऐसा मत कहें, आप ही तो थी जो हमेशा से इस घर में मेरी ढाल बन के खड़ी हुई है। खुद को कमजोर कह के मुझे छोटा मत फील कर रहा है। अब तुम देखना, हालात बहुत जल्द बदलेंगे। अब सिर्फ मैं ही तुम्हारी ढाल थोड़ी रहूंगी, आशिर तुम्हारा सहारा है और आशिर से मजबूत तुम्हारी कोई ढाल नहीं। मेरा यकीन करो रेहान, जब सोफिया को पता चलेगा कि तुम बेकसूर, एक लम्हा नहीं लगाएगी तुम्हें अपनाने में। ये तुर्क का पत्ता है, वक्त पर न फेंका तो बाजी पलट जाएगी। पलट गई है बाजी, आशिर ने माफ कर दिया उसे। कह रही थी कि आपा को सच बता दे, लेकिन नहीं, अकलमंद तो सिर्फ आप ही ठहरे, बेवकूफ हम दोनों माँ बेटी। नहीं नहीं, और इंतजार करते जब तक आपा भी ना उसे अपना ले। ये नहीं होने दूंगा मैं। कैसे, सवाल ये है। पता नहीं। वाह, ये जवाब है, मुझे तो सब कुछ बिखरता नजर आ रहा है, सब कुछ। मैंने कहा ना, मैं कुछ ना कुछ करके संभाल लूंगा। अरे कैसे संभालेंगे आप, आपके पास तो कोई हल ही नहीं है, खाक संभालेंगे आप? तुम अपनी जबान बंद रख सकती हो, वरना मेरे दिमाग ने अगर चलना भी है तो नहीं चल सके। ठीक, चुप हो जाती हूँ मैं। चलाएं अपना दिमाग, निकालें कोई हल, वरना यहां से हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अपनी बेटी के सामने अभी कोई बात न करना, वरना वो जज्बात में सब कुछ बर्बाद कर देगी। बर्बाद होने को बचा क्या है? मैंने कहा ना, खुदा का वास्ता है, मुंह बंद रखो अपना।
कांग्रेचुलेशंस मामा। थैंक यू बेटा। कहाँ हो? बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आप कब आ रही हैं वापस? हाँ, मुझे लगता है एक दो रोज और लग जाएंगे, इन्वेस्टर्स से मिलने। ओके। फरा कैसी है? ठीक है। डिनर पे ले गया था उसे मैं। गुड। और रेहम? इस बारे में क्या सोचा है आशिर? मामा, आप वापस आ जाएं तो इस बारे में बात। इस बारे में हम बात कर चुके हैं आशिर। एक कॉल आ रही है बीच में, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। जी वकील साहब, कैसे हैं आप? वो कुछ लीगल पेपर्स बनवाने थे। ठीक है, आप आ जाइए। तुम्हारी नफरत, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी सजा, तुम्हारी जजा, ये सब कुछ भूल जाओ। अब तुम सिर्फ और सिर्फ रेहम का सोचो, सिर्फ रेहम का, क्योंकि अब उसे तुम्हारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। सबूर और फैसल भाई ने कोई मदद करनी होती तो वो बहुत पहले कर चुके होते आशिर। अब उनसे कोई भी उम्मीद रखना बेवकूफी है। जानता हूँ रेहम, लेकिन अदन को जो मैसेजेस हुए हैं उसकी गवाह सिर्फ तुम या सबूर। अब इन हालात में तुम्हारी गवाही तो नहीं मानी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर सबूर खुद ही एडमिट कर ले कि वो मैसेजेस तुमने नहीं उसने अदन को किए थे तो हो सकता है कि मामा मुझे तलाक देने पे मजबूर ना करे। हाँ, आपको मेरी बेगुनाही का यकीन आ गया है ना? बस एक दिन आंटी को भी यकीन तुम नहीं समझती हो रे। हाँ, वक्त बहुत कम है। मैं पहले तुम्हें एक बार खो चुका हूं, दोबारा नहीं खोना चाहता। मैंने कहा ना आशिर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आजमाइश का वक्त खत्म हो जाएगा।
अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब आप जाए यहां से, इससे पहले कि कोई देख ले फिर कोई तमाशा खड़ा हो जाए। आश्चर्य अजीब खामोश खामोश सा है। ऑफिस से बहुत जल्दी निकल जाता है लेकिन रात गए तक घर नहीं आता। ऑफिस के सारे काम रुके पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून जी। देखिए मेरी वापसी की टिकट प्लीज कंफर्म कर लें जी फौरन। अपनाना चाहता था मैं तुम्हें, तुम्हारी रजामंदी से, तुम्हारे घर वालों की रजामंदी से। तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उस दिन मामा को लेकर तुम्हारे घर आ रहा था मैं, तुम्हारा रिश्ता मांगने। फिर रहन वक्त पर आने से क्यों रोक दिया? ऐसा क्या हुआ कि एक ही लम्हे में तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई? या फिर शायद कभी तुमने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं? की थी मोहब्बत, मगर उस दिन अगर मैं आपकी मोहब्बत को अपनाती तो सब खत्म हो जाता। ये बात सच है आशिक कि आपके नाम के साथ मंसूब होना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मगर वो ख्वाहिश बाबा की जिंदगी से बढ़ के नहीं थी। जी जी आपा जी, मैं बिल्कुल मैं आ जाऊंगा जी। अच्छा आपा खैरियत से आइए, खुदा हाफिज। आपा का फोन था, आज शाम की फ्लाइट से वापस आ रही हैं। तो इसमें कौन सी खास बात है? वापस तो उन्होंने आना ही था, कौन सा हमेशा के लिए गई थी? खास बात यह है कि मुझे एयरपोर्ट बुलाया है पिक करने के लिए, कह रही थी कुछ जरूरी बात करनी है, रास्ते में करेंगे। ऐसी क्या जरूरी बात है जो घर आकर नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि तीर निशाने पर लग गया। दुआ करें कि ऐसा ही हो, तीर निशाने पर लगाओ,
ऐसा ना हो कि तीर के निशाने पर हम हों। सुबह सुबह मुंह से कोई अच्छी बात निकालो। अच्छी बात तो तब निकालू ना जब अच्छी बात कहने के लिए कुछ हो। इतने दिनों से सिर्फ बुरी बातें सुनने को मिल रही है। आज या तो आशिर रेहाम को तलाक देगा या फिर इस घर में उनका आखिरी दिन होगा, देख लेना। खुदा का लाख लाख शुक्र है, आशिर का दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो गया बेटा। जी अम्मा, बस ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। इसके सिवाय मैं और कर भी क्या सकती हूँ। इंशाल्लाह जब तुम्हारी सास को हकीकत का पता चलेगा ना तो वो भी सारे गिले शिकवे भुला देंगी। जी अम्मा। अच्छा आप मुझे बताएं आप कैसी हैं? अहमद और रुबीना का रवैया आपके साथ बेहतर हुआ? अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम मेरी फिक्र ना करो। मेरे ठीक होने के लिए तो यही काफी है बेटा कि खुदा तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे। फिर भी अम्मा आप अपना ख्याल रखा करें, मुझे बहुत फिक्र रहती है आपकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तो मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। तो मुझे ये बताओ कि आशिर कब अपनी माँ से बात करेगा, क्या कह रहा है आशिर? अम्मा वो आंटी अभी मुल्क से बाहर गई हुई है तो इस सब में कुछ वक्त लगेगा। चलो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी और पैदा करे बेटा, मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ। इंशाल्लाह। चले अम्मा मैं आपको फिर बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा तुम भी अपना ख्याल रखना और मेरी तरफ से आशिर को पूछ लेना। खुदा हाफिज बेटा। तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं जान गया हूं क्यों तुम खुद को और सबूर को इस मामले से अलग रखने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि सच ये है कि कसूरवार रेहाम नहीं सबूर है। वो मैसेजेस जिनकी वजह से अदन ने अपनी जान ली थी वो रेहाम ने नहीं किए थे, सबूर ने किए थे और ये बात मैं जान गया हूं। सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं जान गया हूं क्यों तुम खुद को और सबूर को इस मामले से अलग रखने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि सच ये है कि कसूरवार रेहाम नहीं सबूर है। वो मैसेजेस जिनकी वजह से अदन ने अपनी जान ली थी वो रेहाम ने नहीं किए थे,
सबूर ने किए थे, उन्हें बाद में जान गया। तुम्हारा और आशिर का सच जानती हूं मैं। कौन सा सच? तुम्हें पता है बहुत हैरान होती थी मैं तुम्हें देखकर। समझ में नहीं आता था, इतनी तकलीफें, इतनी अजियत कैसे बर्दाश्त कर लेती हो तुम? कोई किसी में इतना सब्र कैसे हो सकता है? मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो चंद दिनों में ये घर छोड़ के चली जाती। अब क्या कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही कह रही हूं कि वो क्या वजह है कि अब तक तुम इस घर में रुकी भी।